ये कुछ बॉक्सेस है, दिस इज द बॉक्सेस, इतने सारे जो मैंने ऑर्डर करे और बहुत ही ज़्यादा हैवी है ये। सो हाई गाइज एंड वेलकम बैक टू माई चैनल एंड आई एम बैक विद अनदर एक्साइटिंग हॉल वीडियो। सो गाइज आज फिर मैं आ गई एक मीशो हॉल वीडियो के साथ। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि इस बार मैं कुछ हील्स ट्राई करने वाली हूँ। सो येस आई हैव ऑर्डर सम हील्स। सो आज के हॉल में हम लोग सारी हील्स ही देखने वाले। सो हियर इट इज। सो ये कुछ बॉक्सेस है, दिस इज द बॉक्सेस, इतने सारे जो मैंने ऑर्डर करे और बहुत ही ज़्यादा हैवी है ये। सो गाइज वन बाय वन मैं सारे बॉक्सेस को ओपन करूंगी बिकॉज मैंने अभी तक कुछ भी नहीं किया। सो आज लाइव अनबॉक्सिंग होगी। सो साथ ही साथ मैं देखती जाऊंगी और आपको भी बताती जाऊंगी कैसा है, इसका रिव्यू क्या है, साइज में क्या है, जो भी है सब कुछ आपको मैं बताऊंगी। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सो ओके गाइज, फर्स्ट लेट मी स्टार्ट विद दिस फर्स्ट बॉक्स। एक्चुअली आपके प्राइजेस जो है मैं सबको साइड में कहीं पे डाल दूंगी तो प्राइजेस भी आपको साइड में दिख जाएंगे। एंड गाइज देखते हैं, लेट्स सी क्या होता है। मैं सेकंड मेरी वीडियो हो रही है अनबॉक्सिंग वाली, एंड अनबॉक्सिंग वाली वीडियो में मुझे कुछ ज़्यादा खास एक्सपीरियंस है नहीं, क्योंकि मैं जो अनबॉक्सिंग करती हूँ बहुत ही होती नहीं हूँ। मुझसे अनबॉक्सिंग बहुत अजीब तरीके से होती है। सो लेट्स सी हमारे को फर्स्ट क्या मिलता है। मैं रेंडमली कोई भी पैकेज उठा लूँ क्योंकि मुझे नहीं पता किसमें क्या होने वाला और कैसा होने वाला, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि आई डोंट थिंक मैंने मीशो से कभी कोई हील ऑर्डर करी। सो दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम कि मैं कोई मीशो हॉल कर रही हूँ। हील्स का, स्नीकर्स का मैंने किया था, शूज़ का यार तो शूज़ बहुत अमेजिंग थे यार, सारे के सारे शूज़ बहुत अमेजिंग थे। सो लेट्स सी, ये मेरी फर्स्ट मैंने ओपन करा, जो होप फॉर द बेस्ट कि कुछ अच्छा ही निकलेगा। इस कहाँ से खुलेगा यार? ओके आई डोंट नो, उन लोगों ने ओके टेप लगी है यहाँ पे भी। मीशो वाले कुछ ज़्यादा ही अच्छे अनबॉक्सिंग कर रहे हैं, अनबॉक्सिंग करी बॉक्सिंग। सो ओके नहीं अभी दिखाई नहीं होगा यार शिट तो उन्हें खामा का इतना साउंड दिया। ओके सो दिस इज़ द हील्स। लेट मी चेक कौन सी वाली है, बिकॉज मैंने हील्स को ऑर्डर करे हुए बहुत टाइम हो गया, ये बॉक्सेस भी बहुत टाइम से आए हुए तो मुझे इतना याद भी नहीं है। सो ओके गाइस लेट्स सी, ये पन्नी कहाँ से ओपन होगी? मुझे अनबॉक्सिंग करते हुए थोड़ी प्रॉब्लम होती है वीडियोज़ में तो। ओके सो दिस इज़ माई फर्स्ट हील, नॉट हील दिस इज़ फ्लैट्स, ये फ्लैट्स है कुछ ऐसे करके। सो दिस इज़ द फर्स्ट हील्स, जो कि ये मैंने कुछ ऑर्डर जो करी थी। ये कैसी है मैं आपको दिखाती हूँ यार, इसको अगर मैं ओपन करूँगी, वैसे तो ओपन करेंगे इसको, एंड इसमें हील्स में ये होगा, ये बांधने वाला जो ऊपर तक होता है ना, ये है। सो ये होने वाला है, एंड ये कैसे होने वाली, बांध के कैसे होगा आपको साइड में इधर कहीं वीडियो में दिख जाएगा साइड में। बट लेट मी ट्राई कि ये मेरे को साइज, मेन मेरे को साइज़ का देखना कि ये साइज़ मुझे आएगा या नहीं आएगा। सो गाइज देख सकते हैं, लुक एट दिस, ये ऐसे करके बांध के ऐसे कुछ आएगी। वाओ मैंने ट्राई करके भी दिखा दी। साइज़ वाइज मुझे थोड़ी सी छोटी लग रही है, मुझे थोड़ा सा टाइट करके देखूँ और यहाँ पे आ गई। बट अगर मैं इसको देखूँ तो ये मुझे कुछ ऐसे करके बांधनी पड़ेगी, जो कि अभी थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है इससे बांधना। साइज़ वाइज ये मुझे आ चुके हैं, साइज़ मेरा परफेक्ट है। इसमें मैंने जो साइज़ IND 5 साइज़ मैंने ऑर्डर किया था सारी हील्स का। सो इसका साइज़ मुझे आ चुका है, आप देख सकते हैं। आई डोंट नो कैसे दिखाऊँ, देखिए गाइस। सो यस इसका साइज़ आ चुका है मुझे, बस ये बांधने वाला ऊपर तक है तो वो आप लोग को साइड में वीडियो में दिख ही जाएगा। बट ये साइज़ वाइज अच्छी लग रही है मुझे, फ्लैट्स अच्छी लग रही है। कभी यार कभी का होता है ना, जब स्कर्ट्स पहन लो या थोड़ा शॉर्ट्स में कुछ पहनो तो ये जो लंबी लटकती है, अभी ड्रेस भी पहन सकते हो जो शॉर्ट ड्रेस होती है, ये ऊपर बांधते हो ना, बहुत ही सेक्सी लगता है ये। आई थिंक बहुत पहले इसका ट्रेंड चला था और मैंने तब ली थी, तब मेरे पास थी, बहुत पहले की बात है। अब ये अगेन ये आ चुकी है। सो आई लाइक दिस यार, साइज़ वाइज मुझे आ चुकी है। इसका बैग भी थोड़ा अच्छा है, सोल भी थोड़ी अच्छी है यार, ऐसे बिल्कुल बकवास वाली टाइप नहीं है। सो यस अच्छी है यार, लुक वाइज अच्छी है। मुझे इतना नहीं पता कि सैंडल्स के बारे में क्या बोलते हैं, इसकी सोल बोलते हैं, सोल अच्छी है, सोल तो वैसे ठीक है ओके। और ये साइज़ भी मुझे फिट आ गया, लुक वाइज भी बहुत क्यूट सी है, वाइट कलर की। ओके गाइस सो इस मुझे ये अच्छी लगी। अगर मुझे जैसे रेटिंग्स देनी हो तो, वैसे मैं रेटिंग देने वाली होती कौन हूँ, बट फिर भी अगर देनी हो तो आई थिंक मैं ऐसे 10 में से 8 दे सकती हूँ। यस सो लुक वाइज इट्स गुड, फिटिंग वाइज गुड, सोल वाइज गुड। सो आई लाइक दिस हील। 10 में से 8 मैंने इसलिए दिए हैं क्योंकि मुझे खुद भी नहीं पता क्यों दिए मैंने, बट आई लाइक दिस। ओके गाइस सो अब मैंने इस वाली हील पे बहुत टाइम बोला। सो नाउ लेट्स मूव टू आवर सेकंड हील। ओके सो लेट मी ओपन द सेकंड वन। एंड गाइस डोंट यू वरी, आप ये मैं सोच रहा हूँ प्राइस तो सबके आपको साइड में दिख ही होंगे, बट ऑब्वियसली मीशो से करा हुआ है। सो सबके सब भी बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल रेंजेस में होने वाले हैं। डोंट यू वरी गाइस, सबको आपको सबको आपको सब कुछ आपको अफोर्डेबल रेंजेस में ही मिलने वाला है। सो प्राइस की बिल्कुल टेंशन लेनी ही नहीं है। मीशो में आई थिंक आपको कभी भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बिकॉज मीशो से ज़्यादा अफोर्डेबल आई थिंक कोई और ब्रांड देता ही नहीं है। ओके गाइस, सो नाउ लेट्स मूव टू आवर सेकंड वन जो मैं ओपन कर रही हूँ। ये कहाँ से ओपन होगा? हो गया ओपन। ओके, सो दिस इज़ द सेकंड वन। ओ ये ना गाइस याद आ गया मुझे, ये ना मैं थोड़ा इंडियन टचअप के लिए कर रहा था। कभी कभी इंडियन होता है ना, तो मतलब सूट वूट पहनो तो आप पे अनारकली सूट पहनो या समथिंग लाइक दैट, तो उस पर आपको ओपन नहीं हो रही यार। हाँ, तो मैं क्या बोलती हूँ, जब अनारकली वनारकली टाइप में कुछ पहनते हैं तो जूतीज बोलते हैं इसको। सो जूतीज इज़ द राइट वन। ये सारे भाई कितना डाला हुआ ये। ओके, सो जूतीज होती है जो मुझे अच्छी लगती है। एंड दिस इज़ आवर सेकेंड वन। दिस इज़ द सेकेंड जूती। इसको मैंने अलग अलग टाइप की करा यार, अलग अलग टाइप के बिल्कुल ऑर्डर करा, ऐसा नहीं कि बिल्कुल सेम है। सो अलग अलग टाइप में ऑर्डर किए, सबके लुक वाइज तो अच्छे लग रही है यार, बट मुझे सिर्फ अपना साइज का थोड़ा सा टेंशन हो रहा है। तो मैं लाइव आपको पहन के भी दिखा रही हूँ और साइड में आपको वीडियो वैसे भी दिखी जाएगी। सो मुझे लग रही है मुझे छोटी होने वाली है। यस, डैम श्योर कि ये छोटी होने वाली है, ये पता नहीं चल रहा है मुझे। दिस इज़, पर यार ये ऐसा उल्टा दिखा पा रही हूँ ना, मुझे ऐसे नहीं दिखा पा रही यू नो कि कैसे लुक वाइज कैसे लग रही है। कोई नहीं, आप लोग वीडियो में ही देख लेना, वीडियो में ही आपको पता चल जाएगा। मैं वीडियो साइड में डाल दूंगी तो उसमें आपको अच्छे से पता चलेगा कैसी लग रही है। पर ये बहुत ज़्यादा फिट है यार, बहुत। ये देखिए बहुत ज़्यादा, मैंने IND 5 में ऑर्डर किया पर ये मुझे बहुत ज़्यादा फिट हो रही है। सो आई डोंट थिंक मैं इसको ज़्यादा पहन पाऊँगी क्योंकि पूरा यहाँ पर बहुत टाइट हो चुका है मुझे। तो IND 5 में आई थिंक जूतीज़ मेरे को नहीं आने वाली IND 5 की, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा टाइट हो रहा है। बट लुक वाइज अच्छी लग रही है, क्यूट सी लग रही है मुझे। क्योंकि जब आप अनारकली सूट वो टाइप में पहनते हैं तो ऐसे जूतीज वूतीज ही पहनना मुझे पसंद है। दैट्स व्हाई आई ऑर्डर दिस ब्लैक कलर की जूती एंड आई लाइक दिस जूती यार। जूती बहुत क्यूट है, बट द प्रॉब्लम इज ये फिटिंग में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है मुझे। ये बहुत ज़्यादा टाइट है, तो आई थिंक मैं एक साइज़ ऊपर करूँगी। IND 5 की जगह IND 6 लूँगी तो आई थिंक ये मुझे परफेक्टली आएगा। सो आई विल ट्राई कि मैं IND 6 में लूँ, पर अगर आपको अच्छी लग रही है तो आप ले सकते हैं। IND 5 अगर फिट होता तो यस, हाईली रिकमेंडेड, क्योंकि बिकॉज आपको सूट्स जब पहनते हो अनारकली तो यही होती है जो आपको सबसे ज़्यादा आई थिंक उसके साथ मैच होती है और सबसे ज़्यादा अच्छी यही लगती है जूती। सो दैट्स व्हाई आई ऑर्डर दिस जूती। सो आप लोग भी जाइएगा, अगर आपको अच्छी लगे तो आप भी ले सकते। ओके, नाउ लेट्स मूव टू आवर थर्ड वन। एंड द थर्ड वन इज, दिस इज द थर्ड जूती। एंड लेट मी ओपन दिस। यस, इसको ईजी रहा ओपन करना, ऐसे ईजिली ओपन हो जाएगा तो मज़ा आता है मुझे। बस यहाँ पर ये कहीं यार, ये अनबॉक्सिंग का काम ना बहुत डिफिकल्ट होता है, बट ठीक है कोई नहीं, आप लोगों के लिए सब करना ही पड़ेगा। ओके, मैं तो थक गई है इसको करते करते। अब वही ना, तो ये दिस इज़ आवर थर्ड वन। ओके, सो ये अगेन एक वाइट कलर की ही है, बट जो पहली वाली थी उसमें मैंने वो फ्लैट्स थी उसमें बांधने वाला था वो ऊपर तक, बट दिस इज़ हील्स आई थिंक। यस, दिस इज़ हील्स एंड दिस। वाओ यार, बहुत प्यारी सी लग रही है यार, ये वाइट कलर बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा है मुझे। सी, दिस इज़ द वाइट हील्स एंड इसकी ये ब्लॉक हील्स है, ये आई थिंक ब्लॉक हील्स कहते हैं पीछे से। एंड दिस इज़ लुकिंग सो क्यूट। ये लाई मुझे बहुत क्यूट लग रहा है ये, इसको पहन के देखती हूँ। मुझे सिर्फ साइज़ का थोड़ा टेंशन हो रहा है तो इसलिए मैं देखती हूँ। ये आ गया मुझे साइज़, आ गया। सो ये साइज़ तो मुझे आ गया यार, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे ये वाइट कलर यार, बहुत क्यूट सा लग रहा है मुझे ये वाइट। इसकी ब्लॉक हील्स तो कंफर्टेबल है, अगर मैं कंफर्ट के हिसाब से भी देखूँ तो कंफर्टेबल भी है ये मुझे, एंड कंफर्ट भी अच्छी लग रही है और बहुत क्यूट लग रही है यार। आप लोग देखिएगा इस, मुझे तो बहुत क्यूट लग रही है। सो वाइट कलर की ब्लॉक हील्स, आई थिंक ब्लॉक हील्स ही बोलते हैं ना इसको, नॉट श्योर यार, आई एम नॉट श्योर कि इसे क्या बोलते हैं। बट ये भी मैंने IND 5 में ही ऑर्डर किया है एंड IND 5 में भी ये मुझे बहुत ज़्यादा परफेक्टली आ रहा है। ये वाला साइज मुझे परफेक्ट आया, वो वाला वाइट भी मुझे परफेक्ट आया था, बस वो जूती में थोड़ा सा इशू था। सो दिस इज़ द थर्ड वन दैट आई रियली लाइक इट गाइज। आई रियली लाइक दिस हील्स। मुझे वाइट कलर की हील्स वैसे भी पसंद थी है, मुझे चाहिए भी थी मेरी वाइट कलर की हील्स, क्योंकि वाइट एंड ब्लैक जो होता है सबके साथ मैच हो जाता है। दैट्स व्हाई आई ऑर्डर इन वाइट कलर। मेरी सांस फूल जाती है बोलते हुए ज़्यादा। ओके सो दैट्स व्हाई आई ऑर्डर दिस इन वाइट कलर एंड आई जस्ट लव दिस हील्स गाइज। सो इसको मैं बोलूँगी हाईली रिकमेंडेड, अगर आपको अच्छी लग रही है गो फॉर इट, जाइए लीजिए। आइडेंटिफाई में परफेक्ट आ रहा है, मेरा साइज आइडेंटिफाई में, तो आप लोग भी जाके लीजिए। और यस 10 out of 10 आई जस्ट लव दिस हील्स बिकॉज एक कलर वाला और वाइट कलर ऑब्वियसली बहुत ही प्यारा लगता है, तो मुझे अच्छी रियली सो हाईली रिकमेंडेड, जाइए गाइज ले लीजिए मेरी गारंटी पे। सो नाउ लेट्स ओपन आवर फोर्थ वन। आई होप ये भी अच्छी हो। यार मैंने इतनी सारी ऑर्डर तो करी पर जो मेरी फेवरेट थी ना, जो मैंने फेवरेट वाली ऑर्डर करी थी वो अभी तक नहीं आई मेरे पास। सो आई एम वेटिंग फॉर दैट वन बिकॉज मैंने वो वाली, चलो यार छोड़ो, अभी लास्ट दो बॉक्स बचे इसी में देखते हैं कि क्या होता है। और ये मुझसे बिल्कुल भी ओपन नहीं हो रहा है वाला बॉक्स, तो लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट कि कुछ अच्छा ही निकले। वैसे अभी तक तो एक्सपीरियंस अच्छा ही रहा है, कुछ इतना बकवास देख रहे हो कितनी मेहनत करनी पड़ेगी इसके लिए मुझे। ओके सो कौन सी होगी, 10। ओह यस फाइनली जो मुझे कब से वेट था जिस वाली हील्स का, जो मैंने मोस्ट वायरल कह सकती हूँ, मैंने इतने सारे लोगों को देखा ये वाली हील्स पहने हुए, मुझे ये चाहिए थी, ये मेरी फेवरेट थी। लुक वाइज अभी पहन के पता चलेगा कैसी है। सो गाइज आप लोग सोच रहे होंगे मैं किसकी बात कर रही हूँ, लेट मी जस्ट ओपन इट बिकॉज आई डोंट लाइक दिस इतना सारा। सो दिस इज द हील, आई कैसे दिखाते हैं, एज दिस इज द हील जो मुझे बहुत ज़्यादा वेट था इस वाले का बिकॉज ये ट्रांसपेरेंट हील आई थिंक इतनी वायरल है ना। और इसके यहाँ पे पीछे जो हील्स है ना, ये भी, ये देखिए, ये भी ट्रांसपेरेंट में यहाँ से भी पीछे से भी एंड ये भी, मैंने इतने सारे लोगों के पास ये वाली हील्स देखी है ना यार, लाइक लिटरली मुझे लगा था कि यार ये इतनी वायरल है और इतनी अच्छी लगती है, आप किसी भी के साथ इसे पेयरअप कर लो, इट लुक्स सो ब्यूटिफुल सो कूल, मुझे चाहिए थी ये वाली हील। सो दैट्स व्हाई आई ऑर्डर दिस वन, क्योंकि मैं आई एम फैन ऑफ दिस ट्रांसपेरेंट हील, मतलब फैन ऑफ, मतलब मुझे फर्स्ट टाइम ही मैंने ऑर्डर करी बट मुझे लुक वाइज बहुत प्यारी लग रही थी यार। सो लेट्स सी, मुझे यार नहीं आएगी क्या, ये मुझे अटक गई, तो बीच में ही अटक गई यार, शिट, ओह माय गॉड भाई, ये तो अटक गई, मुझे पता नहीं यार ये आएगी या नहीं आएगी, बीच में अटक गई है ये मेरी, मेरा पोपट हो चुका है लगता है आई थिंक, बिकॉज दिस इज द हील जो मैं सबसे ज़्यादा वेट कर रही थी और ये घुस नहीं रही है मुझे। सारी आइडेंटिफाई में ही करी है, बस ये आइडेंटिफाई में क्यों नहीं है। लेट मी जस्ट ट्राई कि ये ओपन हो जाए, मुझे बस फिट हो जाए। हो रही है यार, हो रही है, सी वो तो रही है। ओके आई एम नॉट श्योर इसमें मेरा क्या होने वाला है बट यस, सो पर लुक वाइज इट्स वेरी प्रिटी गाइज, इट्स वेरी प्रिटी, ट्रांसपेरेंट, आप किसी के भी साथ कितनी भी बार पेयर कर सकते हैं। एंड इसकी ये जो ये पीछे की हील है ये भी ट्रांसपेरेंट, दिस वाइज लुक सो क्यूट। एंड इसमें पीछे कोई हील से भी निकल रही है, बट यहाँ पे हील से भी दिख रही है, यहाँ पे ट्रांसपेरेंट है, उसकी जो हील व्हील है, हील नहीं सॉरी क्या बोलते हैं इसे, कील बोलते हैं ना, कील हाँ। सो यहाँ पे दिख रही है आपको, यहाँ पे देखे तो ध्यान से अगर दिख रहा है तो यहाँ पे ट्रांसपेरेंट के अंदर ना सब दिख रहा है, पर कोई बात नहीं यार, ट्रांसपेरेंट तो दिखेगा ही, तो आई डोंट केयर अबाउट दैट, बट आई जस्ट लव दिस हील्स यार, बस ये मुझे परफेक्टली आ जाए। एंड लग तो रहा है कि आ गई, थोड़ी बहुत आई गई है मुझे। सो गाइज आप भी देखिए, अगर आपको अच्छी लगी तो आप भी जाके ऑर्डर कर सकते हैं। एंड आई जस्ट लव दिस हील, 10 out of 10 तो दूंगी ही दूंगी बिकॉज मुझे इसी हील का कब से वेट था एंड फाइनली आई गॉट इट, सो आई जस्ट लव दिस हील। दूर से ही किस कर लेती हूँ। ओके गाइज सो माई मोस्ट फेवरेट। सो गाइज नाउ लेट्स मूव टू आवर लास्ट बट नॉट द लीस्ट हील, एंड मुझे याद भी नहीं अभी कौन सी वाली रह चुकी है क्योंकि क्या ऑर्डर किया था इतना याद नहीं है ना। सो लेट्स सी क्या निकलता है इसमें, कुछ तो निकलेगा अच्छा। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपने बाल ही ना काट दूँ, ये करते करते मेरे बालों का भी पोपट हो जाए। सो ओके सो ओके नाउ आई गॉट इट, दिस इज़ द लास्ट वन जो एक वेजीज है, नॉट हील्स, दिस इज़ वेजीज एंड दिस इज़ बेज कलर। यस इसे खोलते ही बहुत अजीब सी स्मेल आई, ये वाली वेजीज खोलते ही बहुत अजीब सी स्मेल आई, ये इस वाली में से आ रही है, बहुत गंदी सी कुछ स्मेल आ रही है। काश मैं आपको नहीं सुखा सकती, बट इसमें से बहुत स्मेल आ रही है। ओह माय गॉड, ये क्या हो रहा है मेरे साथ। बट लुक वाइज इतनी क्यूट लग रही है ये। आजकल ना मुझे वेजिस का बहुत ज़्यादा शौक चढ़ चुका है, आई थिंक, क्योंकि वेजिस बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होती है। अगर आप भी देखिए यार, कम्फर्ट वाइज जिसको हील्स पहनने में प्रॉब्लम है मोस्टली, उनके साथ सबसे ज़्यादा आई थिंक ये कम्फर्टेबल होती है, क्योंकि पीछे से पूरा वो होता है, फ्लैट होती है, तो हील्स में आपका पैर वैर मुड़ने का वो टेंशन नहीं होता। एंड आई थिंक मोस्ट कम्फर्टेबल होती है वेजिस पहनना। मैंने करंटली ब्लैक कलर की वेजिस ली थी लाजपत नगर से, जो मैं उसके बाद से मैं तब वो ही पहन रही हूँ हमेशा। तो नाउ आई थॉट कि मैं कोई डिफरेंट कलर यूज़ करूँ, तो दैट्स व्हाई आई ऑर्डर इन बेज कलर, एंड दिस इज़ ऑल्सो फॉर मल्टीपर्पज, क्योंकि बेज कलर भी हर किसी के साथ जाने वाला है। सो आई लाइक दिस वेजिस एंड लेट्स सी ये भी कैसी होने वाली है मेरे ऊपर। तो पहनने में थोड़ा सा टेंशन तो हो रहा है मुझे यार, ये तो बहुत आराम से आ गई मुझे, सी ये तो बहुत आराम से आ गई यार, लिटरली यार ये मस्त है यार, ये बिल्कुल आराम से कंफर्टेबली आ गई। और इसका पीछे और ये जो है ना, इसका नीचे का क्या बोलते हैं इसको, ये जो होता है ना, ये क्या बोलते हैं इसको, प्लेट, इतना मतलब स्पंजी से ऐसे है, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ये ऐसे पैरों को बिल्कुल अच्छा फील कराएगा, क्योंकि ऐसे बिल्कुल वो हो रहा है। सो यार आई रियली लाइक इट, इट्स वेरी क्यूट, कलर वाइज, लुक वाइज, कंफर्ट वाइज, परफेक्ट, साइज में भी मुझे परफेक्ट है ये। सो दिस इज़ वेरी क्यूट गाइज। बस उसका स्मेल थोड़ा सा इसमें आ रहा है किसी चीज़ का, तो मेरे हाथों में भी हो चुका है। ओके सो कोई नहीं, हाथों को तो मैं वॉश कर लूँगी। आई थिंक इसमें थोड़ा सा ना प्लास्टिक जैसा कुछ स्मेल है, क्योंकि थोड़ा सा प्लास्टिक है ये वाली चीज़ जो इसकी, सो दैट्स वाई आई थिंक कुछ स्मेल आ रही है प्लास्टिक की। सो ओके नेवर माइंड, एक दो दिन बाहर रहेगी तो ठीक हो जाएगी, आई एम श्योर। सो गाइज दिस इज़ माई लास्ट वेजिस एंड आई जस्ट लव दिस वेजिस। अब बहुत कम्फर्टेबल लग रही है मुझे ये बहुत ज़्यादा। अब मुझे आप लोग ब्लैक वेजिस के अलावा इस वेजिस में भी बहुत ज़्यादा देखने वाले हो, बिकॉज आई जस्ट लव दिस वेजिस 10 आउट ऑफ 10, इसको भी 10 आउट ऑफ 10। सो येस, सो गाइज आई हैव शोड ऑल द हील्स जो भी मैंने ऑर्डर करी थी। एंड अगर आप मुझसे पूछोगे तो इसमें से मोस्ट फेवरेट वन कौन सी है, सो आई विल से दिस माई ट्रांसपेरेंट वन, जो मैंने आपको पहले ही बताया था मेरे लिए ये फेवरेट है, बिकॉज ये वाली मैं कब से वेट कर रही थी इसका। एंड उसके बाद आई थिंक दिस वेजिस, ये थोड़ा सा बेज कलर नहीं हो रहा, बेज एंड वाइट दोनों थोड़ा सेम ही हो रहा, बट दिस टू इज़ माई फेवरेट। येस एंड ये भी थोड़ी सी ठीक लग रही है मुझे, ये मुझे बिल्कुल भी नहीं आ रही है, इसको मुझे एक्सचेंज कराना पड़ेगा, इसका साइज़ का प्रॉब्लम है। एंड येस गाइस, सो मैं आपको सारी की सारी हील्स दिखा चुकी हूँ। एंड आप लोग बताइए आपको कौन सी हील ज़्यादा अच्छी लगी, इन पांचों में से आपको कौन सी अच्छी लग रही है। अगर आपको कोई खरीदनी होगी तो आपको कौन सी खरीदोगे जाके, मैं सारी डिस्क्रिप्शन पे सबको लिंक तो दे ही दूंगी। सो जाइए गाइज, आप ऑर्डर करिए सारी अफोर्डेबल रेंजेस में, डोंट यू वरी गाइज, अफोर्डेबल में। एंड किसी में भी मुझे मटेरियल में भी कोई इशू नहीं लगा, सबका मटेरियल ठीक है, ऐसा नहीं है कि किसी के में प्रॉब्लम है। और सबसे अच्छी बात, जो ऑर्डर करी थी सब कुछ वही आई है, किसी में भी कोई भी इशू नहीं हुआ है मुझे। यस फिटिंग का कह सकते हैं कि साइज़ का थोड़ा इशू हो रहा है, क्योंकि मुझे भी नहीं पता था मुझे कौन सा साइज़ आएगा, क्योंकि मैंने कभी ऑर्डर नहीं करी। सो दैट्स वाई मुझे साइज़ का थोड़ा टेंशन था, फिर भी मैंने IND 5 भी ऑर्डर किया था सब। हो सकता है कुछ में मुझे IND 6 आए, सो लेट्स सी क्या होता है। कुछ नहीं होता यार, मुझे अच्छी लग रही है। ओके गाइज, सो वी हैव कम टू एंड ऑफ दिस वीडियो। मैं आपको सारी हील्स दिखा चुकी हूँ, आप लोग जाइए शॉपिंग करिए, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी आपको। इंस्टाग्राम पे जाके मुझे फॉलो करिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी। सो गाइस यू नो ऑलरेडी, डू लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब माय चैनल, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में थर्सडे को। ओके गाइस, तो तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड यस बेल आइकन दबा देना, इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर लेना। बस इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है ज़िंदगी में, बस इतनी सिंप्लिसिटी है ना, सिंप्लिसिटी नहीं, इतनी मतलब क्लैरिटी है कि आपको क्या करना है, मैंने आपको सब बता दी। ओके सो जाइए, अब मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो थर्सडे को आएगी। यस बाय बाय गाइस, बाय।